टू स्टडी आई की सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13, 14 एंड 18 जो बात करता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड नाउ आज जो तो है सेशन का आ, इसमें ये आपकी लेक्चर नंबर सेवन है जिसमें हम ये सारे सेक्शंस को कवर अप करेंगे एंड एज यू ऑल नो दैट इस सीरीज के माध्यम से हम कवर अप कर रहे हैं इस पूरी बुक को दैट इज डॉक्टर आर के सिन्हा की बुक जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो इस पूरी बुक को हम इस सीरीज के माध्यम से कवर अप करेंगे अब तक यहाँ पे लेक्चर नंबर सिक्स तक हो गया है कंप्लीट ठीक है और हमने सेक्शन वन से लेके थर्टीन तक कवर अप कर लिया है एंड आज जो है थर्टीन फोर्टीन और

सो लेट्स बिगिन विद सेशन नाउ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी आई क्यू लाइफ फाउंडेशन बैच का टू आ गया है तो अगर आपको इनरोल होना है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में तो आप जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं इसकी क्लासेज आपकी ट्वेल्थ ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाली है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में आपकी प्रिलिम से लेके इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाती है एंड नॉट ओनली दिस यहाँ पे आपको हैंड राइटन नोट लेक्चर नोट्स डेली एम सी क्यूस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है वीकली सेशन कंडक्ट किए जाते हैं आंसर राइटिंग पे जजमेंट राइटिंग पे लीगल करंट अफेयर्स जनरल करंट अफेयर्स एंड आपको जीएस और जीके की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी जर्नी में तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो आप तैयारी करना चाहते हो जुडिशरी एग्जामिनेशन की आई वुड से

और श्री लाइफ प्रोमो कोड से ही मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट एंड आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन में नॉ ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन जो ये प्राइस है ये दो सालों के लिए है यहाँ पे आपके पास कोर्स की वैलिडिटी रहेगी दो साल के लिए एक साल में हम आपका पूरा कोर्स कवर अप करा देंगे और एक साल के लिए आपके पास इस कोर्स का एक्सेस भी रहेगा जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स अपने सेशन को रिवाइज कर सकते हैं और वीडियोज को देख सकते हैं लाइव क्लासेस की बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप जो है फैकल्टीज से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो टू वे कम्युनिकेशन से अपने सारे डाउट्स क्लास में ही खत्म कर सकते हो राइट सो जस्ट गो एंड एनरोल टू दिस लाइव फाउंडेशन बैच एंड यूज कोड श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट एंड अगर आपको इस सेशन की पीपीडी चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट हो सेशन के रिस्पेक्ट में तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रमी श्रीवास्तव के नाम से सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी कोई भी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेशन कोर्स या फिर एग्जामिनेशन फील फ्री टू आस्क मी एनी थिंग ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल

टू अनबॉर्न चाइल्ड नहीं है ट्रांसफर फॉर अन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है टॉपिक uh, अब इसका जो सेक्शन लैंग्वेज है, है समझने में बट ट्रस्ट मी आप जब्लीट करोगे से नाउ सेक्शन थर्टीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफर करना है अनबोर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए तो सेक्शन फाइव जब मैंने आपको बताया तो सेक्शन फाइव में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक ही रूल अप्लीकेबल होता है That is, transfer होता है आपका इंटरवाइवस ट्रांसफर होता है आपका इंटरवाइवस राइट right? और इंटरवाइवस का मतलब क्या बताया था मैंने की टू लिविंग पर्सन के बीच में ही ट्रांसफर पॉसिबल होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ठीक है तो जब दो लोग जिंदा होंगे उन्हीं के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी इसी वजह से यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में विल्स को एक्सक्लूड कर रखा है दैट इज द ओनली रीजन क्योंकि वो इफेक्ट में आती है आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी बट हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन्हीं ट्रांस ट्रांसफर्स पे एप्लीकेबल होता है जो टेक प्लेस करते हैं बिटवीन टू लिविंग पर्सन राइट अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अनबॉर्न चाइल्ड ठीक है जो अभी मदर के वूम में है ठीक है तो उसको कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एंड दिस इज द ओनली रीजन यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड नहीं है यहां पे कह रहे हैं ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड और फॉर द बेनिफिट यहां पे किस तरीके से होगा एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके ट्रांसफर होगा सो so, पहले आप एक बार कंसेप्ट समझ लो एंड we'll we'll चाइल्ड कौन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे बट एक बार बेसिक सी बात समझो देखो अब यहां पे मान लो अगर A एक है, ठीक है उसने उसको जो है अनबॉर्न चाइल्ड है अनबॉर्न चाइल्ड है एक्स ठीक है अब इसको इसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है तो यहां पे क्या रूल कहता है सेक्शन में? तब ये बी जो है एक्स के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा और एप्सल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा एप्सल्यूट इंटरेस्ट उसको पूरा मालिकाना हक दे देगा बॉर्न चाइल्ड को जो अनबॉर्न है जब वो बॉर्न हो जाएगा तो अब यहां पे देखो जो ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है इसका क्या मतलब होता है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जो बी है ठीक है उसके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट है वो इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता वो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता द रीज़न बीइंग कि वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है उसके पास सिर्फ लाइफ टाइम इंटरेस्ट है कि जब तक बी जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी को वो एन्जॉय कर सकता है बट बेच नहीं सकता ऐसा लाइफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट किया है यहाँ पे ए ने इन फेवर ऑफ बी इन फेवर ऑफ बी और जब अनबोर्न जो बॉर्न हो जाएगा एक्स तो उसको बी जो है ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर फेवर ऑफ इन बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड इस तरीके से वनबोर्न चाइल्ड के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके तो यहाँ पे बी जो है उसका यहाँ पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है और उसके बाद प्रायर इंटरेस्ट बी में क्रिएट किया गया है और जैसे ही अनबॉर्न पैदा हो जाएगा वैसे ही उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी आई होप इट इज क्लियर टल हियर नाउ ये एक बेसिक सी बात जो समझ में आनी चाहिए सो दैट जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसको आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा राइट नाउ अ पर्सन Who does not have any current existence but has a specific reference to one or who may be born in future is considered to be an unborn child or a person. ठीक है जिसका reference है कि वो future में exist करेगा उसको हम क्या कह रहे हैं unborn child कह रहे हैं या फिर unborn person कह रहे हैं even though a child In a mother's womb is simply not a person in existence. वो अभी existence में नहीं आया, अभी वो माँ के कोक में है, ठीक है? अभी वो mother के womb में है, वो भी existence में नहीं आया है, but has treated as a person under both English law and Hindu law, ठीक है? तो हमारे यहाँ Indian law में और आपका uh, English law में उसको as a person consider किया जाता है. Now there was a case of uh, Tagore versus Tagore, Tagore versus Tagore. 1872 अब इस केस में क्या बताया कि अगर बच्चा जो है मदर के वूम में है ठीक है इन्फेंट अगर आ, या फिर फीटस में है अगर बच्चा तो उसको आप पर्सन मानोगे उस चाइल्ड के फेवर में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो वो एक पर्सन कंसीडर किया जाएगा ठीक है तो इस पर्टिकुलर केस में ये बात कही गई थी क्लियर नाउ देयरफॉर इट शुड बी नोटेड दैट द टर्म अनबॉर्न रेफर्स टू बट अभी वो पैदा नहीं हुआ है चाइल्ड इन अ वो चाइल्ड आपका मदर के कोक में है मदर के आ, पेट में है ठीक है बट ऑल्सो इंक्लूड दो नॉट इवन परसिव उनको भी जिनको परसीव नहीं भी किया है वो प्रेगनेंट है ठीक है उनको भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है वेद दे विल बी बॉर्न एट ऑल और नॉट इज दॉसिबिलिटी ठीक है ये सारी पॉसिबिलिटी है कि वो पैदा होगा या नहीं होगा इट ऑल पॉसिबिलिटी बट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी इफेक्टिव फॉर देर बेनिफिट उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो उनके बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में नाउ सेक्शन थर्टीन की बात करते हैं ये तो हमने समझ लिया की चाइल्ड अनबोर्न चाइल्ड आप किसे कहोगे अनबोर्न चाइल्ड कौन होता है तो अगर चाइल्ड जो है मदर के womb में है तो उसको आप अनबॉर्न चाइल्ड कहोगे राइट नाउ सेक्शन 13 क्या बात करता है देखो सेक्शन 13 यहाँ पे कहता है दैट व्हेन फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ध्यान से समझो सारे वर्ड्स को भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे हम थ्रेड बेयर तरीके से पढ़ेंगे इस पूरे सेक्शन को ठीक है कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर दिट अनबॉर्न चाइल्ड मैंने क्या बताया था कि क्या लिखा हुआ है वहां पे फॉर देनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जिस टाइम पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो वो आप ये सोच के ट्रांसफर कर रहे हो कि ये अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं अब अपरास्ट

इसको अगर ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है इसके फेवर में तो इसको क्या करना पड़ेगा एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है अब बी के पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है ये इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता ये इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता ठीक है अब यहां पे अगर मान लो ए डाइज अब ए मान लो मर गया ठीक है प्रॉपर्टी अभी एक्स बॉर्न नहीं हुआ है प्रॉपर्टी जो है बी के पास है वो एंजॉय कर रहा है उस प्रॉपर्टी को उसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट है अब यहाँ पे ए मर जाता है उसको ये डर था कि बच्चे के पैदा होने से पहले अगर मैं मर गया तो मैं उसके बेनिफिट के लिए कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा इसी वजह से यहाँ पे उसने एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया ठीक है अब मान लो कि बी भी मर जाता है अगर बी ऑल्सो डाइज बिफोर बिफोर दर्थ ऑफ दाइल्ड बिफोर द बर्थ ऑफ दाइल्ड अगर मान लो बी भी मर जाता है तो जो प्रॉपर्टी इसके पास है जो इसके लिमिटेड इंटरेस्ट के पास जो तो प्रॉपर्टी है सिर्फ एंजॉयमेंट की है वो ओ, ओनर नहीं है उसके पास ओनरशिप नहीं है उस प्रॉपर्टी की बी के पास अब तो क्या होगा ये प्रॉपर्टी जो है रिवर्ट बैक कर जाएगी ए को अब आप कहोगे ए तो पहले ही मर गया था तो फिर ए के हायर्स को प्रॉपर्टी रिवर्ट कर जाएगी ए के हायर्स को प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉपर्टी मिल जाएगी इन केस जहां पे एक्स बॉर्न नहीं हो पाया ठीक है और बी भी मर गया जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो भी मर जाता है जिसने किया, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वो भी मर जाता है तो ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी चली जाएगी ठीक है एक बात तो यहां पे ये यह क्लियर हुई देखो यहां पे अगर हम बात करें सेक्शन फाइव की तो सेक्शन फाइव क्या कहता है कि भाई लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी सेक्शन थर्टीन ने ये कह दिया जस्ट बिकॉज अनबोर्न पर्सन है ये

ना ही वो ओनरशिप उसके पास होगी इस प्रॉपर्टी की बस और बस इंजॉयमेंट का राइट होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का और जैसे ही ये अनबोर्न एग्जिस्टेंस में आ जाएगा जब ये अनबोर्न चाइल्ड एग्जिस्ट करने लगेगा तो ये प्रॉपर्टी बी जो है किसको दे देगा एक्स को ट्रांसफर कर देगा ये प्रॉपर्टी जो है बी एक्स को अनबॉर्न अनबॉर्न चाइल्ड जो बॉर्न bon हो गया है उसको ये ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पे जब ये ट्रांसफर करेगा तो ये लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेगा एप्सल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा एप्सल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा इस बॉर्न bon चाइल्ड को इस बॉर्न चाइल्ड को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा इसके लिए uh, जो ये unborn, हो गया है उसको उस प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार मिलेगा पूरा उसके पास ओनरशिप होगी पर, right? uh, है सेक्शन uh, 13 में यही बात बता रखी है आपकी दस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न अगर आपको बेनिफिट के लिए अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इट इज इम्पेरेटिव दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी फर्स्ट बी ट्रांसफर्ड बाई अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रस्ट इन फेवर ऑफ सम लिविंग पर्सन हमारे एग्जाम्पल में कौन है हमारे एग्जाम्पल में वो पर्सन कौन है एक्स बी uh, है हमारे पर्सन एग्जाम्पल में वो uh, जो पर्सन है एक प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट किया जा रहा है वो कौन है बी है राइट नाउ इन फेवर ऑफ सम पर्सन लिविंग जो हमारे एग्जाम्पल में कौन है बी है अदर देन दी अनबॉर्न ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ठीक है अनबॉर्न को छोड़ के एक प्रायर इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा हमारे एग्जाम्पल में कौन है वो बी है ठीक है नाउ इन सिंपल टर्म्स

लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है ठीक है और उसके बाद ये प्रॉपर्टी एक्स को जाएगी जो अनबॉर्न है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती डायरेक्ट प्रॉपर्टी इज नॉट डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग टू दी अनबॉर्न पर्सन इज नॉट अलाउड इज नॉट अलाउड ये अलाउड आपका नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज ऑफ सेक्शन फाइव ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसी वजह से यहाँ पे ये चीज आपकी अलाउ नहीं कर रखी है आपको परमिट नहीं कर रखा है कि आप डायरेक्टली अनबोर्न को कर दें क्योंकि ये पर्सन जिसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहते हो प्रॉपर्टी वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है तभी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होती है क्लियर नाउ कमिंग बैक टू दी वेरी फर्स्ट एसेंशियल क्या है इसका ट्रांसफर कैनॉट बी डायरेक्टली मेड टू एन अनबॉर्न पर्सन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते नॉ सच ट्रांसफर कैन ओनली बी ब्रॉड इन टू एक्जिस्टेंस बाय द मैकेनिज्म ऑफ ट्रस्ट आप ट्रस्ट के मैकेनिज्म से कर सकते हो ठीक है एक आपने प्रायर इंट्रस्ट क्रिएट कर दिया है ठीक इट इज अ कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉपर्टी लॉ दैट एवरी प्रॉपर्टी विल हैव एन ओनर ठीक है अब यहाँ पे कहता है कि हर प्रॉपर्टी का एक ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी कभी अबेंस में नहीं रहती है ये अगेन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या कहता है कि प्रॉपर्टी कभी भी अबेंस में नहीं रहती है मतलब कि मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे ए है और ये बी है ठीक है ए है ये बी है और ये एक्स है अनबॉर्न पर्सन इसको प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगी आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर राइट नाउ अब भी एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है यहां पे हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है बी के फेवर में ये कहता है कि अगर और ये प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट क्यों किया है कि भाई मान लो ए मर गया मान लो ए मर जाता है तो उसको एक्स के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो मर जाएगा तो यहाँ पे एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर गया है कि भाई जब भी वो अनबॉर्न बॉर्न हो जाए तो उसके फेवर में उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी तुम रख लो और जैसे ही वो पैदा होगा तो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना ठीक है अब यहाँ पे मान लो ये मैं एग्जाम्पल आपको दे भी चुकी हूँ कि ए मर जाता है और मान लो बी भी मर जाता है बी ऑल्सो डाइज बिफोर दिस चाइल्ड केम अभी बच्चा एग्जिस्टेंस में नहीं आया है और ये मर जाता है तो मान लो अगर बी जो है वन नाइनटीन नाइनटी एट में मर गया बच्चा पैदा हुआ दो हजार दो में ठीक है तो क्या इतने टाइम पे प्रॉपर्टी का कोई भी ओनर नहीं रहेगा ऐसा होगा कि यहाँ पे 1998 से 2002 तक बच्चा तो पैदा भी हुआ नहीं है और ये मर गया है तो क्या इस टाइम तक कोई भी उसका ऑनर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है जो कार्डिनल प्रिंसिपल है आपका उस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रॉपर्टी कभी भी अबेंस में नहीं रहती है ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है और अगर ऐसा होता है तो उन प्रॉपर्टीज को स्टेट गवर्नमेंट जब्त कर लेती है उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन हो जाता है सरकार ओनर हो जाती है राइट तो यहां पे क्या होगा अगर मान लो ये भी मर गया और ये भी मर गया और ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है अनवॉन चाइल्ड तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी इसके हायर्स को इसके प्रॉपर्टी हाँ बैक कर जाएगी और यही बात आपकी यहां पे लिखी हुई है राइट नाउ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड टू एन अनबोर्न पर्सन इट विल लीड टू वेयर इन दी प्रॉपर्टी विल रिमेन विदाउट एन ओनर फ्रॉम डेट ऑफ़ दी ट्रांसफर अगर एग्जाम्पल एक सोचो सपोज करो कि अगर अनबोर्न को प्रॉपर्टी तो फिर दो अबेंस में रहे कोई मालिक ही नहीं, रहे कोई नहीं रहे वो कर रहे है कोई ही नहीं रहे हम उस पर्टिकुलर टाइम पे टिलेट ऑफ दिन में जब तक एक्सिस्टेंस तो नहीं रहा तब तक उसका कोई ओनर नहीं होगा हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल के अपोज में जा रहा है ठीक है ये उसको अपोज कर रहा है उस कार्डिनल प्रिंसिपल कोज बाइ दॉट अलाउड जब भी आपको ट्रांसफर करना होता है अनबोर्न चाइल्ड या पर्सन की फेवर में कोई भी प्रॉपर्टी तो आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना ही होता है बिना प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए आप नहीं ट्रांसफर कर सकते अनबोर्न को प्रॉपर्टी क्लियर नाउ तो एक पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि भाई डायरेक्ट ट्रांसफर आप नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को नाउ प्रायर इंटरेस्ट अगेन प्रायर इंटरेस्ट बनाना जरूरी है तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी राइट और यही इसका प्रायर no इंटरेस्ट e like आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन मस्ट ऑलवेज बी preceded by a prior interest created in favor of a living person. हमेशा unborn को जब भी आप ऐसा आप property transfer करोगे तो वो हमेशा उससे पहले आपने कोई life interest बनाना आपको जरूरी है prior life interest आपने create किया होगा तभी unborn को property transfer हो पाएगी तो so, this is the second uh, essential element. Now third very important element absolute interest. भाई अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी फॉर बेनिफिट दैट इज रूल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड नॉट एट ऑल अलाउड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या चीज कि मान लो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को उसके लाइफ इंटरेस्ट के लिए ठीक है अब यहां पे बी क्या करे अनबॉर्न पर्सन के लाइफ इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर दे फिर एक और अनबॉर्न पर्सन के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे फिर एक और अनबॉर्न पर्सन के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे ऐसा अलाउड नहीं है ऐसा अलाउड नहीं है इस तरीके से तो प्रॉपर्टी जो है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होते होते प्रॉपर्टी वहां बंद ही रहेगी ठीक है प्रॉपर्टी का फ्री फ्लो नहीं हो पाएगा तो यहां पे इसी वजह से यह बात कही गई है कि जब भी ट्रांसफर होगा अनबॉर्न को तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा उसके पास पूरा हक होगा उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उसके पास पूरा मालिकाना हक होगा वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है जब हम लाइफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उस लाइफ इंटरेस्ट में वो बंदा जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट होता है वो उस प्रॉपर्टी

कि एक पर्सन ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया फिर दूसरे पर्सन के लिए लाइफ इंटरेस्ट कर दिया अनबॉर्न के लिए फिर तीसरे अनबॉर्न के लिए भी जो पैदा होने वाला है फिर और पैदा होने वाला है आगे वाला तो उसके लिए इस तरीके से ये चीज अलाउड नहीं है तो ऐसे प्रॉपर्टी जो है फ्लो होती रहेगीचुटी में ही प्रॉपर्टी रहेगी ठीक है नाउ एंटायर प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफोर्ड टू दी अनबॉर्न पर्सन

प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है ऐसा अनबॉर्न पर्सन लाइफ इंटरेस्ट होल्ड करेगा ही नहीं अगर अनबॉर्न पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी होल्ड करेगा नाउ अंडर इंग्लिश लॉ एन अनबॉर्न पर्सन कैन बी कंफर्ड एन ईस्टेट ओनली फॉर हिज लाइफ टाइम इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है बट यहां पे इट्स नॉट लाइक दैट क्लियर नाउ मूविंग अहेड दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी विल भी दी बर्थ ऑफ द अनबॉर्न पर्सन टू होम द लाइफ इंटरेस्ट वॉज टू बी ट्रांसफर्ड एंड दॉसिबिलिटी कैन बी परमिटेड ओनली इफ द एब्सल्यूट इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट जस्ट द लाइफ इंटरेस्ट यहाँ पे कह रहा है कि तभी परमिटेड होगा अनबॉर्न को प्रॉपर्टी uh, ट्रांसफर करना जब आप उस अनबॉर्न को एब्सल्यूट इंट दोगे उसको कोई उसके लिए allowed ही नहीं है के लिए। अगर आप नहीं तो नहीं है 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 कि को आप life interest करो ऐसा permission नहीं है। आपका ऐसा आपका में Now, एक landmark case है यहाँ पे गिरजेश दत्त वर्सिस दत्ता दिन अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एग्जामिनेशन के लिए ठीक है लैंडमार्क केस है यहाँ पे अब इसको समझो Now, इस केस के फैक्ट समझो बहुत सिंपल से केस के फैक्ट्स हैं कि यहां पे ए है और बी है ठीक है अब यहां पे ए ने जो है एक लिमिटेड इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया ठीक है लिमिटेड इंटरेस्ट है इन्होंने यहां पे कहा कि अगर सन हुआ बी को अगर सन हुआ तो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाएगी

को चली जाएगी, जाएगी। ठीक है ये बेसिक सिचुएशन समझ में आई आपको क्या था फैक्ट समझो अभी हम फैक्ट को पढ़ेंगे तो आपको आराम से सिचुएशन जो है उन वर्ड्स में बैठती हुई नजर आएगी क्या कहा कि ए ने बी को एक लिमिटेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गिफ्ट करा और कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी एब्सोल्यूट तरीके से और अगर बेटी हुई तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसको लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ ठीक और अब यहाँ पे सिचुएशन में क्या हुआ इस केस में कि बी मर गया ना बेटा हुआ ना बेटी हुई बी मर गया और वो प्रॉपर्टी अगर बी मर जाएगा बिना आ, 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 बर्थ दिए किसी भी चाइल्ड को तो फिर ये प्रॉपर्टी एक्स के पास चली जाएगी नाउ कम है फैक्ट्स क्या कहता है ए अ गिफ्ट अब एग्जाम्पल से हम सेट करते जाएंगे इसको ठीक है ए अ गिफ्ट टू ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर बी ठीक है B, life, हमारे में, अब यहां पर भी ड्रॉ कर देती हूं ए बी यहाँ पे सन हुआ तो एबसल्यूट इंटरेस्ट और यहां डॉटर हुई तो लिमिटेड इंटरेस्ट और अगर ये मर जाता है डाइज तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी एक्स को जाएगी यही हमने अभी तक देखा अब तुम यहां पे अब आप लोग इसमें देखो ए मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर nephew's daughter डॉटर बी फॉर लाइफ एंड देन to टू बीज मेल डिसेंडेंट ठीक है B's male मेल डिसेंडेंट मतलब सन एब्सोल्युटली जाएगी उसको नो इफ शी वुड हैव एनी अगर कोई हुआ तो यहाँ पे उसके सन को बी के सन को ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पे जाएगी ठीक है बट इन एब्सेंस ऑफ एनी मेल चाइल्ड अगर बी का कोई बेटा नहीं हुआ तो वो डॉटर डौ को प्रॉपर्टी जाएगी ठीक है टू बी इज डॉटर विदाउट द पावर ऑफ एलिनेशन मतलब उसको लिमिटेड इंटरेस्ट दिया जाएगा नाउ इफ बी हैज नो डिसेंडेंट मेल और फीमेल अगर उसका कोई भी बच्चा नहीं हुआ या तो बेटा भी नहीं हुआ और बेटी भी नहीं हुई तो किसको जाएगी एस के नेफ्यू को जाएगी ठीक है एस के ये ए का नेफ्यू है ठीक है ए के नेफ्यू को जाएगी प्रॉपर्टी क्लियर हमारे एग्जाम्पल में बिल्कुल सही बैठ गया ये नाउ बी डाइड इशू लेस अब यहाँ पे बी मर गया ना तो बेटा हुआ और ना ही बेटी हुई क्लियर नाउ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कोर्ट हेल्ड दैट अब यहाँ पे समझने वाली जरूरत है कि द कोर्ट हेल्ड दैट द गिफ्ट फॉर लाइफ टू बी वॉज वैलिड भाई आपने एक अनमोन के लिए फेवर में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे आपने बी के फेवर में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया वो वैलिड है ठीक है करना होता है वो वैलिड है एज बी वॉज अ लिविंग पर्सन वो बी लिविंग पर्सन था उस टाइम पर जब ट्रांसफर हो रहा था सेक्शन फाइव की कंडीशन भी वैलिड है राइट right? बट द गिफ्ट इन फेवर ऑफ बीस डॉटर जो आपने ये कहा था कि अगर उसकी कोई बेटी होगी वॉज वॉइड वो वॉइड है क्यों क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो वो एब्सल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा उसको लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ उन्होंने क्या कहा कि अगर बेटी होगी तो एक लिमिटेड इंटरेस्ट विदाउट द पावर ऑफ एलिनेशन करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी अगर बेटी पैदा हुई तो राइट अब यहां पे वो जो कंडीशन है वो क्या है Void है एज पर सेक्शन थर्टीन ऑफ the ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बिकॉज इट इज अ गिफ्ट ऑफ ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट क्योंकि आपने तो गिफ्ट दिया लिमिटेड इंटरेस्ट से गिफ्ट दिया बिना एलिनेशन uh, की पावर का

वो भी आपका फेल हो गया क्योंकि जब प्रायर इंटरेस्ट इनवैलिड था तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी जो है इनवैलिड माना जाएगा उसका भी कोई मतलब नहीं होगा तो प्रॉपर्टी जो है नेफ्यू को भी नहीं मिलेगी ऐसा यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा आई होप इसके फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज रूल अगेंस्ट ऑपोर्च्युनिटी अब देखो रूल अगेंस्ट ऑपरच्युनिटी को समझो यहाँ पे कि मान लो ए है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लाइफ इंटरेस्ट अब बी आगे इसको फिर ट्रांसफर कर रहा है सी को लाइफ इंटरेस्ट और यहाँ पे अगेन मान लो बी है दादाजी उन्होंने अपने बेटे को दिया फिर उन्होंने अपने बेटे को लाइफ इंटरेस्ट कर दिया फिर अगेन उसने अपने बेटे को लाइफ इंटरेस्ट कर दिया फिर अगेन डी ने अपने बेटे को लाइफ इंटरेस्ट कर दिया तो इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है आ, फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी का मतलब फ्री फ्लो नहीं हो रहा है ये प्रॉपर्टी जो है परपेचुटी में इन पीरियड के लिए चली चली आ रही है राइट नॉट अलाउड इट रूल अगेंस्ट परपोर्च्युटी रूल अगेंस्ट ये आपका अलाउड नहीं है आप इस तरीके से प्रॉपर्टी के फ्लो को नहीं रोक सकते ठीक है इट इज अगेंस्ट दब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट दब्लिक पॉलिसी इट इज अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री Economy of the country. it is against the law. ठीक है ये लॉ के अगेंस्ट है एंड दैट इज वाई सेक्शन फोर्टी में क्या बताया कि आप प्रॉपर्टी जो है पबी में नहीं रख ट्रांसफर कर सकते मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बंदे के रखो एक बंदे को प्रॉपर्टी और वही होल्ड कर रहा है जमाने दर जमाने पुस्त दर पुस्त वही होल्ड कर रहा है ऐसा अलाउड नहीं होता मतलब कभी ना कभी आपको एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ताकि प्रॉपर्टी का फ्री फ्लो हो सके मार्केट में जब प्रॉपर्टी का फ्री फ्लो होता है मार्केट में तभी देश की इकोनॉमी बढ़ती है और तभी उससे तरक्की होती है तो तो इस तरीके से आप आप को को नहीं नहीं कर सकते, को आप किस नहीं सकते किसी के ऊपर ये ये कह कि कि भाई ये तो हम चलाए चले जा रहे हैं सबको लाइफ इंटरेस्ट है मतलब ना तो ई बेच सकता है ना डी बेच सकता है ना सी बेच, बेच सकता है तो इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है इंडेफिनेट पीरियड से एक ही परिवार में होल्ड हो रही है एंड दैट इज नॉट अलाउड एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी को एक उसका भी एक मैक्सिमम लिमिट बता दी गई है नाउ स्टेटिंग फ्रॉम द डेट दैट द ट्रांसफरर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी जिस दिन ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है प्लस द लाइफ टाइम ऑफ द लास्ट प्रायर इंटरेस्ट होल्डर्स प्लस द जेस्टेशन पीरियड ऑफ द अनबॉर्न बेनिफिशियरी प्लस द दैट इज एज ऑफ मेजोरिटी इससे ज्यादा आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर ही नहीं सकते इससे ज्यादा आप प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते अब यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल देखो इसका अब यहाँ पे कहता है कि मान लो ए है उसने बी के लिए एक लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट किया ठीक है प्रायर इंटरेस्ट इसको हम प्रायर इंटरेस्ट कहते हैं उसने जो है अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में प्रॉपर्टी करनी है ठीक तो यहाँ पे कह रहा है कि ये, आ, इन दोनों ये जब प्रॉपर्टी ए ने ट्रांसफर करी यहां पे तो दोनों पार्टी लिविंग थे और जब अनबोर्न चाइल्ड बॉर्न हो गया तो यहां पे बी और

प्लस एस की मेजोरिटी कि जब ये मेजर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी इसको दे दी जाएगी तो प्रॉपर्टी जो है बॉर्न चाइल्ड को मिल जाएगी ठीक है तो यहां पे कह रहा है तब तक आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो उसके बियॉन्ड आप होल्ड नहीं कर सकते ठीक तो मान लो आप एक से ज्यादा लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो ठीक है बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया फिर सी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया कर सकते हो आप ठीक है लेकिन यहाँ पे जब सेशन पीरियड और अनबॉर्न जो बॉर्न हो चुका है उसकी मेजोरिटी 18 साल दैट इज 18 इयर्स कुछ केस में ये 21 भी होती है अगर वो कोर्ट ऑफ में होता है ठीक है अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग अभी हम अठारह साल मान के चल रहे हैं ठीक है तो मेजोरिटी अठारह साल जब तो वो मेजर हो जाएगा जब वो मेजर मेजर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मान लो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को लाइफ इंटरेस्ट ठीक है, बी ने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी लाइफ इंटरेस्ट अब यहां अनबॉर्न है ठीक है अब ये अनबोर्न जो है मदर वूम में है और ये सिक्स मंथ uh, की प्रेगनेंसी है मदर की ठीक उस पर्टिकुलर केस में अगर ये मर जाते हैं ठीक है डाइज और डाइज, अगर ये C भी मर गया, लाइफ वाला बंदा मर गया, गया, लाइफ वाला बंदा तो क्या प्रॉपर्टी रिवर्ड बैक करेगी या अनबोन के पास आएगी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इसके पास आएगी इसके गार्डियन को दे दी जाएगी और जब ये अनबॉर्न मेजर हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी जो है आ, उसको दे दी जाएगी बॉर्न चाइल्ड को मिल जाएगी जब वो मेजर हो जाएगा ठीक है तो अगर ये मदर वूम में भी है तो ट्रांसफर वैलिड है ठीक है अब जितने टाइम में ये मदर वूम में है अगर मान लो प्राय लाइफ इंटरेस्ट मर जाता है तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक नहीं होगी ये प्रॉपर्टी आपका अनबॉर्न चाइल्ड के वो वेस्ट करेगा ठीक है वो उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा उस प्रॉपर्टी का फिर जब वो मेजर हो जाएगा तो वो गार्डियन से अपने ले सकता है वो प्रॉपर्टी ठीक तब तक उसका गार्डियन लुक आफ्टर करेगा उस प्रॉपर्टी को क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ अब यहाँ पे समझो एक बार क्या कहता है दैट ये आप मैक्सिमम पीरियड है इस मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा आप प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते नाउ द अब ट्रांसफर इज कंटिजेंट टू मेनी अदर कंडीशन दैट इज कंडीशन गिवेन अंडर सेक्शन फाइव सेक्शन टेन सेक्शन थर्टीन सेक्शन 15, 16, 18 एंड 20 जो अभी हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कहता है कि वैसे जनरल रूल क्या है सेक्शन 14 का जनरल रूल यह है कि रूल अगेंस्ट है आप पीरियड के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते बट सेक्शन 18 में कुछ कंडीशंस बता रखी पे आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी होल्ड कर सकते हो दैट इज वाई सेक्शन एटीन जो है सेक्शन फोर्टीन का एक्सेप्शन है वो जो है एक्सेप्शन है जहां पे बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो नाउ क्वेश्चन इज की कैसे होती है ठीक है आप, आपके आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग पॉपर्चुनिटी में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो दो तरीके से यहाँ जो प्रॉपर्टी जो है पॉपर्चुनिटी में होल्ड की जा सकती है पहला वे क्या है दैट बाय टेकिंग फ्रॉम दी ट्रांसफरी हिज पावर ऑफ एलिनेशन कि भाई आपने उससे उसकी पावर ऑफ एलिनेशन ही ले लिया आपने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और उससे उसको पावर ऑफ एलिनेशन नहीं दिया मतलब आपने उसको लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है उस उसके पास जिसको भी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसके पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई भी हक नहीं है ठीक है तो अगर आपने ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो प्रॉपर्टी जो है पॉपुचुटी में होल्ड होती है दूसरा बाय क्रिएटिंग फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट बहुत दूर का एक रिमोट इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया जो आपका सेक्शन फोर्टीन में प्रोहिबिटेड है ठीक है कि एक अनबॉन से दूसरे अनबॉन को लाइफ इंटरेस्ट के लिए फिर एक और अनबॉन को अन लाइफ इंटरेस्ट के लिए फिर इस तरीके से आपने बहुत फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपका पॉपोच्य में प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ये दोनों ही चीजें आपकी अलाउड नहीं है दैट इज वाई सेक्शन फोर्टीन में बताया गया दैट इज इट्स रूल अगेंस्ट पॉपोर्चुटी नाउ बेसिक ऑब्जेक्ट नाउ दीज पॉइंट्स को हेल्प यू इन राइटिंग योर मेन्स एग्जामिनेशन आंसर ठीक है अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है इसका इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है एक्टिव सर्कुलेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का बोथ फॉर द ट्रेड एंड फॉर द कॉमर्स एज वेल एज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए भी जरूरी है और ट्रेड और कॉमर्स के बेनिफिट के लिए भी जरूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी का अगर फ्लो नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी दैट इज वाई यहाँ पे कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का फ्री फ्लो होना चाहिए नाउ देर आर पीपल हु वॉन्टेड टू रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन देयर ओन फैमिली कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली में ही रखें फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन पुस्त दर पुस्त राइट नाउ दिस विल बी अ लॉस इसकी वजह से सोसाइटी को बहुत लॉस होता है क्योंकि इट इज इट विल डिप्राइव एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्री एंड फ्रीक्वेंट सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट एंड द पॉलिसी ऑफ द लॉ इज टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ सच पटी कहता है कि बेसिक पर्पस क्या है लॉ का बेसिक पर्पस यह है कि हम परपोचुईट को प्रमोट ना करें ठीक है हम प्रॉपर्टी को फ्रीली फ्लो होने दे मार्केट में प्रॉपर्टी अवेलेबल रहे मार्केट में ठीक है दैट इज व्हाई इट इज रूल अगेंस्ट परपोर्च्युटी कि आपको अलाउड नहीं है प्रॉपर्टी इनडेफिनेट पीरियड के लिए होल्ड करने के लिए दस ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन फोर्टीन इज टू सी दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट टाइड अप एंड प्रिवेंशन फॉर द्रिएशन ऑफ दी पर्पोचुइटी प्रिवेंट करता है कि आप क्रिएट ना करो पर्पचुईटी का कोई भी तरीके का uh, प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे क्लियर ना इस सेक्शन को ना हमने ब्रेक डाउन कर लिखे ब्रेक डाउन करके अब हम पढ़ेंगे ठीक है जो लैंग्वेज है सेक्शन की हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक कोई भी ट्रांसफर आप नहीं ऑपरेट करेगा या कोई भी आप जो है प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो प्रायर पर्सन में ठीक है तो दैट इज दाइफ टाइम ऑफ दायर इंटरेस्ट होल्डर जितने भी हो एक हो दो हो राइट नॉ माइनॉरिटी

फिर सी के लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया ठीक है अब यहां पे ये अनबोर्न है इसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है ठीक है इसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है अब यहां पे कहता है अब मान लो ये माइनर है इस में, तो इसके लाइफ इंटरेस्ट खत्म होने से पहले जो इसका लाइफ इंटरेस्ट है मान लो बी सी का लाइफ इंटरेस्ट है अब ये वेट करेगा कि जब ये 18 साल कंप्लीट कर लेगा तो भी लाइफ इंटरेस्ट जो है इसमें इसको जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट तरीके से ट्रांसफर कर देगा बॉर्न चाइल्ड को जो मेजर हो गया है अब राइट अब अगर मान लो ये मर जाता है तो यहाँ पे उसको वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और प्रॉपर्टी गार्डियन होल्ड करेगा अनबॉर्न पर्सन जो बॉर्न हो गया है वो माइनर है अगर तो प्रॉपर्टी उसके गार्डियन होल्ड करेंगे लेकिन उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा ठीक है तो यहाँ पे कहता है माइनॉरिटी तक आप और एक्सटेंड कर सकते हो ये जो सी है वो लाइफ इंटरेस्ट अपना तब तक और इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है तब तक उसका मेजोरिटी नहीं हो जाती जब तक वो जो अनबॉर्न पर्सन जो बॉर्न हो गया है जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक ये और प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा क्लियर

इंटरेस्ट जो जिस है, उसकी तक ही आप कर सकते हो, उससे बियॉन्ड आप प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड कर सकते नहीं पोस्टपोन कर सकते आपको वेस्ट करनी पड़ेगी इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट टू अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन फोर्टी अब वो इंग्रीडियंट क्या है पहला दे मस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है ट्रांसफर शुड बी इंटरस्ट इन ऑफ अनबॉर्न अनबोर्न के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है दैट इज दल्टीमेट बेनिफिशरी है नाउ दिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी प्रिडेड बाई लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ दिविंग पर्सन दट इज द

में हो या फिर वो पैदा हो गया हो एट एक्सपायरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग पर्सन मतलब जो प्रायर इंटरेस्ट किया है उसके मरने से पहले या तो बच्चा मदर के पेट में हो ठीक है माँ के कोक में हो या फिर वो पैदा हो गया हो ठीक है तभी उसके मरने से पहले प्रायर इंटरेस्ट इसके फेवर में आपने क्रिएट किया जिस पर्सन के फेवर में आपने क्रिएट किया उसके मरने से पहले ये बच्चा जो है एग्जिस्टेंस में आ गया हो ठीक है चाहे मदर के वूम में या फिर वो आ गया हो वो पैदा हो गया हो ठीक है इफ

प्लस द माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट माइनोरिटी बट नॉट बियॉन्ड दैट तो इतने टाइम तक प्रॉपर्टी को पोस्टपोन कर सकते हो भाई यहाँ पे ए उसने प्रॉपर्टी करी बी को इसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट किया इसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट किया ये सी है इसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और ये है आपका अनबॉर्न चाइल्ड जो अब बॉर्न हो गया है तो जब ये बॉर्न हो गया अब यहाँ पे ये यह 18 इयर्स का हो गया तो प्रॉपर्टी इसको मिलेगी एबसोल्यूट इंटरेस्ट से इतने टाइम तक जब तक वो यहाँ पे 18 इयर्स तक का नहीं हो रहा था मान लो इस पॉइंट पे वो 18 इयर्स का हो गया तो इतने टाइम तक ही आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो इसके बियॉन्ड आप पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते ठीक है और इम्पोर्टेंट बात लाइफ इंटरेस्ट पर्सन की जिसके जिसके लिए आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है जिस पर्सन में आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो पर्सन आपका Uh, उस पर्सन के जिंदा रहते ही ये अनबॉर्न पर्सन आ गया हो या तो मदर के वूम में या फिर एग्जिस्टेंस में आ गया हो या फिर पैदा हो गया हो ठीक है इस पर्सन के जिंदा रहते ही ये तो या तो मदर के वूम में आ गया हो या फिर वो एग्जिस्टेंस में बॉर्न हो गया हो मतलब पैदा हो गया हो तो uh, जो है यहाँ पे ये वैलिड ट्रांसफर होता है तो फिर ये पर्सन के पास वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा अनबॉर्न पर्सन के पास वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा ठीक है और ये कहता है कि आप तब तक ही पोस्टपोन कर सकते हो ट्रांसफर इस फेवर के लिए के लिए फेवर में आपने प्रॉपर्टी बनाई है आप तब तक ही ट्रांसफर कर सकते हो जब तक वो मेजर नहीं हो जाता मतलब जैसे अठारह साल का हुआ प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पर्सन को नौ माइनॉरिटी का क्या मतलब और वेन दाइनरविजन ऑफ कोर्ट अगर मान लो सुपरविजन में है तो वो एज इक्कीस मानी जाती है अदरवाइज मेजोरिटी एज है वो अठारह साल मानी जाती है इन द केस ऑफ सौंदर्य राजन वर्सेज नटराजन इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा प्रीवी काउंसिल दैट सिंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इट इज अपॉइंटेड बाई दर्ट फॉर दाइनर इन दूचर फॉर देशन 14 द नॉर्मल पीरियड ऑफ माइनॉरिटी वुड बी एटीन ईयर्स सेक्शन 14 के लिए जो माइनॉरिटी एज होगी वो आपकी 18 इयर्स ही मानी जाएगी तो आप कब तक पोस्टपोन कर सकते हो तब तक वो 18 साल तक का नहीं हो रहा तब तक आप पोस्टपोन कर सकते हो उसके बियॉन्ड जैसे ही वो 18 साल का हो गया उसके बियॉन्ड आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो क्लियर नोऑ पीरियड ऑफ द सेशन द मैक्म टाइम फिक्स फॉर दोस्टोनिंग ऑफ देश ऑफ इंटरेस्ट इन दी लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट होल्डर्स प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशरी ये आपका पीरियड ऑफ द सेशन रहता है फॉर एग्जाम्पल अब इसको एग्जाम्पल से समझो दैट इफ ए एक प्रायर इंटरेस्ट होल्डर है वो मर जाता है ठीक है देन द अल्टीमेट बेनिफिशरी जो आपका अनबॉर्न चाइल्ड है दैट इज एक्स मस्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस उसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है अगर मैंने बताया मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर मान लो प्रायर इंटरेस्ट मर जाता है तो उस टाइम पे तो उस एक्स पर्सन का जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है एट दैट टाइम आइदर इन द मदर वूम या तो uh, माँ के पेट में या फिर एज अ बॉर्न चाइल्ड राइट नाउ इफ एक्स इज इन द मदर वूम अगर मान लो वो मदर के कोक में है ठीक है uh, माँ के कोक में है देन से ऑफ सिक्स मंथ्स का है अगर मान लो देन दी मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम तक आप पोस्टपोन कर सकते हो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट वो पोस्टपोन हो सकती है दैट इज लाइफ ऑफ ए ठीक है जो प्रायर इंटरेस्ट है इसका लाइफ इंटरेस्ट लाइफ ऑफ ए इसके लाइफ पे आप पोस्टपोन कर सकते हो जब, जब जब तक वो जिंदा है उसके बाद प्लस सिक्स मंथ्स जो रिसेशन पीरियड है आपका जब तक वो आ, पेट में है पीरियड ऑफ द और प्लस एटीन ईयर जो उसकी माइनॉरिटी एज है इतने टाइम तक ही आप पोस्टपोन कर सकते हो वेस्टिंग इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना अदरवाइज इससे ज्यादा आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी मोमेंट जो है वो चाइल्ड अठारह साल का हो जाता है आई होप इट क्लियर राइट ना मैगजिम पॉसिबल रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग कितना रिमोट वेस्टिंग आप कर सकते हो कितना पॉसिबल है आपके लिए यहाँ पे कहते हैं इंडिया द मैगजिम परमिसेबल पॉसिबल रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग इज कितना uh, कितना कर सकते हो दैट इज लाइफ ऑफ द प्रिस इंटरेस्ट पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनली वेन जब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है एंड द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो उसकी माइनॉरिटी और अगर वो पैदा नहीं हुआ तो जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है उसको आप कैलकुलेट करोगे इतना ही आप रिमोट कर सकते हो इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन एटीन जो बात करता है एक्सेप्शन की तो यहाँ पे कहता है कि रूल ऑफ पर्पचुटी का कुछ एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो आपने पब्लिक के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो वो आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर सकते हैं ठीक है फिर आपका उसमें ये ये कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी जो जो रूल 14 14 की सेक्शन सेक्शन में दे रखी है 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 नाउ टीपी का क्या कहता प्रोवाइड करता प्रोटेक्शन ऑफ रूल अगेंस्ट पॉपोचुनिटी वेन दी ट्रांसफर इज इन द फेवर ऑफ पब्लिक अगर पब्लिक के फेवर में है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए है या फिर नॉलेज के लिए है या फिर कॉमर्स के लिए है या फिर हेल्थ के लिए है या फिर सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट beneficial to the mankind अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए है पब्लिक एट लास्ट के बेनिफिट के लिए है तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपॉर्चुनिटी होल्ड कर सकते हो इन पीरियड के लिए राइट डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल एग्रीमेंट्स ये पर्सनल एग्रीमेंट पे सेक्शन आपका 14 एप्लीकेबल नहीं होता है पर्सनल एग्रीमेंट्स दैट डू नॉट क्रिएट इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है रिन्यूअल ऑफ लीज एग्रीमेंट्स उस पर आपका एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब ये एक्सेप्शन में फॉल करता है आपके कोविनेट ऑफ रिडम्पन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दॉ दी चार्ज क्रिएटेड ओवर प्रॉपर्टी एज दिस नॉट अमाउंट

आपको आप होल्ड नहीं कर सकते प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करना ही होगा उसमें इंटरेस्ट राइट एंड सेक्शन 18 जो आपका सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है क्लियर सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम uh, जो है कल के सेक्शन में कवर अप करेंगे आपका सेक्शन 15 16 एंड uh, इसके साथ जो है छोटे से और कवर अप करेंगे

इन डिटेल विद इन फैक्ट मोर केस लॉज विल बी टॉक टू यू इन दी लाइफ फाउंडेशन बैच अगर अब लाइफ फाउंडेशन बैच की अगर हम बात करें तो इस लाइफ फाउंडेशन बैच में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा सारे ही सब्जेक्ट नॉट ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो या फिर सीआरपीसी हो या फिर सी पी सी सी हो ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी इस लाइफ फाउंडेशन बैच में और इस लाइफ फाउंडेशन बैच में मैं आपको मेजर लॉ जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट भी कवरअप कराऊंगी ठीक है इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरी मेजर भी कवरअप कराऊंगी अलोंग विद दी माइनर लॉस राइट तो अगर आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच का हिस्सा होना है तो आई वुड से कि आप जो है हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और आपको जो है ये कोर्स मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पे अगर आप यूज करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइफ अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं श्री लाइव -I -I -E. सिर्फ इसी कोड से आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट अब आपको इस आ, आपको कोर्स परचेस कैसे करना है या क्या क्या खास बात है इस कोर्स की तो देखो जस्ट फॉर टू मोर मिनट्स जस्ट लिसन टू मी केयरफुली यहाँ पे जो ये आपका लाइफ फाउंडेशन बैच है ठीक है इसमें मिलते हैं आपको यूनिक फीचर्स देखो अब यहाँ पे जो ये कोर्स है इसमें आपको एलेवन हंड्रेड प्लस लाइव आर क्लासेस मिलेंगी साथ में आपको डेली एम सिक्यूज़ कराया जाएगा तो जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लाइव फाउंडेशन बैच में अनबॉर्न पर्सन के बारे में पढ़ा या फिर रूल अगेंस्ट पॉपर्चुनिटी के बारे में पढ़ा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको सारे एम सी क्यूज भेज दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको कितना समझ में आया है इसके लिए दूसरा आप लाइव क्लास में जो है फैकल्टी से टू वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यहां पे आपको लेक्चर नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे साथ में आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी जर्नी में वो आपको स्ट्रेटजी प्लान्स असिस्ट करेंगे वो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे आपके और कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो मेंटर आपको हेल्प करेंगे तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 24999 में और कैसे सिर्फ एक कोड दैट इज श्री लाइफ For the तो जैसे ही आप लगाएंगे, आपको मिलेगा इस कोर्स में परचेज करने का मैक्सिम फोर्टी थाउजेंड रुपीज का दिखा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपने प्रोमो कोड लगाया एस एच आर आई एल आई वीई और आपने इसको अप्लाई किया वैसे ही आप देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का न सी योर सेल्फ और ये चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए आपको देने पड़ रहे हैं दो सालों के लिए यहाँ पे वैलिडिटी लिखी हुई है ट्वेंटी फोर मंथ तो एक साल में हम आपका कोर्स कवर अप करा देंगे और एक साल में आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा सो आई वुड से बैच स्टार्ट होने वाला है जुलाई ट्वेल्थ से नया बैच स्टार्ट होने वाला है दैट इज योर बैच टू यूज करो प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट और अगर जेनविनली सीरियसली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप जो है यहाँ पे इनरोल हो जाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आई हैव शोड यू कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो हैंडल uh, है यहाँ पे आप मुझसे आज की क्लास की पीपीटी भी ले सकते हैं ठीक है जस्ट अ मिनट सी दिस इज हैंडल ठीक है यहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं श्रीमित श्रीवास्तव नाम से स्क्रीन ले लें और इस पे आप जो है मुझसे आज के सेशन की पीपीटी ले सकते हैं ठीक है जो भी कंटेंट हमने यूज किया ये आप कलेक्ट कर सकते हैं मुझसे टेलीग्राम पे और कोई भी डाउट हो आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई भी इशू हो तो आप मुझसे चाहे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं करना क्या है बस ये कोड याद रखना है श्री लाइव कोई भी कोर्स परचेज करना हो आपको चाहे आपको लाइव फाउंडेशन बैच खरीदना हो या फिर आपको रिकॉर्डेड uh, कोर्सेज खरीदना है सिर्फ एक कोड श्री लाइव आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट सारे ही कोर्सेज पे तो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय एंड सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग